बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब? भाई ठीक ठाक है। अच्छा, बकरों को ना गुड़ खिलाएं लाजमी सर्दियों में, क्योंकि सर्दी बड़ी है। असी भी ठहरे हैं तो बकरे भी ठहरे हैं, तो लग रहा था ठार पड़ना है। लाजमी गुड़, और हो सकता तो अगर आपके पास पैसे ही हो तो अंडा भी खिला लें। अगर पैसे नहीं है तो फिर खाली गुड़ खिला लें, ठीक है? आप अंडा ये देखें, मैंने फ्राई किया हुआ है, ये अंडा बकरे को खिला लें। वो देखें वो खा लें, ऐसे आराम से अंडा खा लें। ये गुड़ के लेके इतने छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, सारे बकरों को रात को गुड़ लाजमी खिलाए सर्दियों में। और खास तौर पर जरा ध्यान रखें बकरियों का सर्दियों में। बड़े आराम से गुड़ खा रहे हैं बकरे, गुड़ लाजमी खिलाए। ये देखिए, ये अंडा फ्राई है और इसको नहीं पसंद, इसको खिला देंगे हम। जिसको पसंद है उसे खिलाएं आप गुड़। सर्दी में दरअसल गुड़ खाने का मकसद ये है कि बकरे को सर्दी बढ़े और गुड़ कुछ नहीं। कई बंदे आपको पता हो गुड़ का कावा पीते हैं, गुड़ से ना जरा सर्दी कम हो जाती है बकरे की। ये तो नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी, पर फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। बड़े जानवर गुड़ थोड़ा ज्यादा खिलाया करे, क्योंकि बड़ा जानवर है वो, चक भी मार लो भावे को नहीं, आपे तो ले ही आना। ठीक है, जो बातें बता दूं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें ना, गौर करो इंशाल्लाह बकरे आपके लाजमी बन जाएंगे। सर्दियां बड़ी हैं, स्टाल आरज का काम कर दें बकरों का, और दाना ज्यादा कर दें, क्योंकि पेशाब स्टाल से बड़ा करते हैं कम, और दाना आप ज्यादा कर दें इंशाल्लाह बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? और किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो बताएं, लाजमी गाइड करेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।